And for your general information and my kind introduction, I am Moksh Panda from the Department of English, Ravenshaw University. Along with me, I have my co-host. Can I please have you on the stage? I am so happy. Ravenshaw University, Netaji Subhash Chandra Bose, ki wo शिक्षा स्थली है जहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके देश के लिए वो कर दिखाया जिसकी लोग अपेक्षा भी नहीं कर पाते थे। इसी यूनिवर्सिटी से, इसी कॉलेज से पढ़ करके उन्होंने एक नारा दिया था, उनको जो अगर देश ने समझा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उन्हीं की आज़ादी की बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रांगण में आकर के उनकी वो ऊर्जा हमारे हृदय में समाहित हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, आपका मैसेज यूथ को क्या रहेगा? यूथ, हम क्योंकि राष्ट्र हमेशा जो है सर्वोपरि होना चाहिए, और ये युवा देश की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, और इस शक्ति को, ऊर्जा को, ताकत को इस राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में लगना चाहिए। और ये हमारा देश है और हम इस देश के वासी हैं, और इस देश की सेवा करना हमारा परम सौभाग्य है। Feeling great because TEDx is happening everywhere, and Odisha, Ravenshaw is one of the best college, and they are giving this chance. So I'm very happy to be a part of TEDx in Ravenshaw University with other speakers, and I hope people will take this inspirational journey and utilize it to their life. So what will your message to the youth? So my message will be talking about the hardship and the failures. They should never think about, they can go through it and think positive and go with their passion, as I always went through. So that's what I'm going to tell them. Thank you. So ma'am, kemti laguchi apana Ravenshaw? Bahut hi bhal laguchi, because Ravenshaw University is good. Sorry for the very good. Singers, people call for dancers, but they have organized a great event which will motivate the youth and will help them in their life. So what will be a message to the youth? I should say that these kinds of events should be organized in a regular way, so that people get motivated, people get to know life of others, the struggle of others, and how they can learn from them. My favorite speaker here is Smriti Shree. She's a chef, like she's really worked hard to get here. Someone who belongs to Odisha and then going to a platform like MasterChef and then coming back to our university and speaking, it's a huge thing. She is even performing as a good influencer. Aji speakers aschane tanku dekh mane tangor bahut inspire feel hochi mane seman to hard work tankaro jivan gatha sabu janiya milche ta bahut inspiring hoba. बहुत भल लगुच बहुत भल एक्चुअली इट इज प्रिटी गुड एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स आई विल लर्न मेनी थिंग्स टुडे इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस हु इज योर फेवरेट अमंग द सिक्स स्पीकर स्मृति सो ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ इवेंट इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइक आपको उतना कनेक्शंस एंड ऑल फिर उतना डेडिकेशन हार्डवर्क रहना जरूरी है तभी आप इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएंगे एंड और ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब हमें सही सोर्स का जरूरत पड़ता है तो उस सोर्स के लिए परमिशन वगैरह लेना पड़ता है इट्स डिफिकल्ट बट वी विल मैनेज इतना बड़ा इवेंट के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टीम मेंबर्स का होता है तो टीम मेंबर अच्छा होना जरूरी है एंड देन उनका कोऑर्डिनेशन विद इन उनके अंदर ऐसा तो किसी को लाइक बायस नहीं कर सकता ये चीज़ सो सारे स्पीकर्स अच्छे हैं इवन इफ सब कोई अच्छा है सभी अच्छे हैं ऑल ऑल टफ बट या इट इज एंजॉयबल विद ऑल माय मेंबर्स को मेंबर्स ओसी मेंबर्स इट इज अ फन एक्सपेरिमेंट वी आर गेटिंग टू लर्न समथिंग हमें कुछ नया मिल रहा है जानने के लिए इवेंट कैसा मैंने कभी नहीं किया है दिस इज द फर्स्ट टाइम करने के पर अच्छा लग रहा है ग्लिचेस भी हो गया बट इट्स मैनेजेबल इट विल हेल्प द यूथ हमें से ही लोगों को
मोटिवेशन मिलता है कि वो इंडिविजुअल कुछ कर सकते हैं, दे इंडिविजुअल कैन डू समथिंग। एज अ मेंबर मैं बोल रही हूँ कि मैं, मेरे पास भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट विथ माई टीम मेंबर्स, विथ माई को मेंबर, ओसी मेंबर, हमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ जो हमें बाद में इन नियर फ्यूचर हमें काम आएगा टू ऑर्गेनाइज एनी इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट जिनको पढ़ना हो। इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपोजर फॉर ऑल द पीपल। नो बायस टू बी ऑनेस्ट, सब किसी को मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहती हूँ, एवरीबडी इज़ गुड एंड एवरीबडी बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं एंड येस दे ऑल हैव अचीव समथिंग इन देयर लाइव्स एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लेजेंड, लिविंग लेजेंड्स। सो या देर इज़ नो डिफ्रेंशिएशंस।